नमस्कार दोस्तों, 90 के दशक की यादों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आपको लेकर चलता हूँ एक बार फिर से 90 के दशक की यादों में। दोस्तों ये उस समय का हैंडपम्प, इससे पानी हम पिया करते थे। दोस्तों ये उस समय का नोकिया का ब्लैक एंड वाइट मोबाइल। दोस्तों ये ही मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों ऐसी अनगिनत यादों के सफ़र में आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों उस समय का ये चाकी था, यानी कई लोग चाक बोलते थे। दोस्तों उस समय का ये टाइपराइटर, उस ज़माने का ये कंप्यूटर था, इसी पर लेटर आदि टाइप हुआ करता था। और ये उस ज़माने का लालटेन। दोस्तों उस समय दही मथने का ये देसी उपकरण, इसी से दही मथा जाता था और इसमें मक्खन निकलता था, छाछ निकलता था। दोस्तों ये उस समय का इस्त्री बोलो या प्रेस बोलो, और इसी से हम अपने कपड़े प्रेस किया करते थे और हम कपड़े अपने टाइट किया करते थे। उसके बाद दोस्तों आया कोयले वाला प्रेस, और कोयले वाले प्रेस में थोड़ा सा कपड़ा और कड़क होने लगा। दोस्तों आइए आपको लेकर चलता हूँ उस ज़माने के बाइस्कोप के समय में। इस बाइस्कोप को गांव में आते ही लोग फिल्म देखने के लिए टूट पड़ते थे। इसमें एक फ़ोटो का रील चलता था, ऊपर से गाने बजता था। दोस्तों ये हवा करने का उपाय था उस समय। दोस्तों ये पेट्रोमैक्स शादी ब्याह में उजाले का प्रमुख साधन हुआ करता था और इसी से उजाला होता था। दोस्तों ये उस ज़माने के कैमरे का रील है, इसी कैमरे के रील में फ़ोटो खींची जाती थी और उसे हम धुला के फ़ोटो बनवाते थे। दोस्तों गुलेल तो उस दौर के हर बच्चों ने चलाया होगा। दोस्तों ये उस दौर का सिनेमा हॉल का प्रोजेक्टर है और इसी से रील पर सिनेमा चलता था और हम फिल्म देखा करते थे। दोस्तों ये तो आपको याद होगा, म्यूजिक का प्रमुख साधन डेक बोलते थे और हम इसी से गाने सुना करते थे। दोस्तों ऐसे पानी में जब भैंस रहती तो उसके पीठ पर हम चढ़ जाते थे और मस्ती किया करते थे और दोस्तों के साथ भी खूब मस्ती किया करते थे। दोस्तों उस दौर के मिट्टी के बर्तन, घर में प्रायः सबसे ज़्यादा मिट्टी के बर्तन ही उपयोग में लाया जाता था। दोस्तों उस समय के कठौती एक काठ की बनी होती थी, यानी कि लकड़ी की, और इसमें हम आटा गूंथते थे और भी तरह तरह के काम किया करते थे। दोस्तों उस ज़माने का ये टीवी और उसके ऊपर VCR जरूर होता था, उसी पे कैसेट लगा के हम फिल्म देखा करते थे। दोस्तों उस दौर का ये वीडियो गेम, हम बड़े चाव से खेला करते थे। दोस्तों ये है उस ज़माने का स्याही की दवात, और इसी से हम लिखा करते थे। दोस्तों ऐसी अनगिनत यादें हैं 90 के दशक की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही 90 के दशक की यादों का वीडियो आप तक हमेशा लेकर मैं आते रहूं। अब आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।